हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन स्टार अकेडमिक में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के 1403 पदों के लिए जो भर्ती आई थी उसके एग्जाम पैटर्न को लेकर दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है आपको, और बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है एग्जाम पैटर्न को कि आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या बदलाव हुआ था, सारी खबर निकल कर सामने आ गई है। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, आपको बता दें हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जीएस के बहुत ही स्मार्ट क्यूज चलाए जा रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल ट्रिक के साथ वो क्यूज पढ़ सकते हैं, जीएस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये वही न्यूज है जो अभी आज निकल कर आई। यहाँ पर दिया गया दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में 5,36,000 आवेदन आए हैं। दोस्तों, बाबू के लिए लंबी कतार। जी हाँ दोस्तों, जो कनिष्ठ सहायक है उसका बाबू का पद जो होता है वो बाबू का पद होता है, वही दिया गया है। एक पद पर 395 दावेदार। दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट है 1403 पद, उसमें एक पद पर एक सीट पर 395 छात्रों का कंपटीशन बना हुआ है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। आपके जो आवेदन आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं 5,36,000। अब दोस्तों, हम मुख्य बातें पहले कुछ देख लेंगे तभी हम इसको देखेंगे। इससे पहले दोस्तों 2016 की जो एग्जाम कराई गई थी 31 मई को 548 पद थे, और दोस्तों उसमें जो आवेदन आया था 2,13,000, लेकिन इतने छात्र एग्जाम देने नहीं गए थे। लगभग 1,00,000 के अंदर ही छात्रों ने एग्जाम को दिया था क्योंकि वो 2016 का एग्जाम था। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया यूपी में नौकरी के लिए एक एक पद के लिए सैकड़ों दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती के लिए आए लाखों आवेदन पत्रों की तादाद से दोस्तों इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कनिष्ठ सहायक के 1403 पदों के लिए कुल आवेदन 5,36,000 आए हैं। अगर देखा जाए तो एक पद के लिए 395 से ज़्यादा दावेदार हैं। अब दोस्तों, मुख्य बात है एग्जाम पैटर्न की। तो जैसा कि सभी बता रहे थे, काफ़ी सारे चैनल वालों ने बताया कि वरीयता को ख़त्म कर दिया गया है। जी नहीं दोस्तों, अब बात ये बात खुलकर आ गई है वरीयता की। दोस्तों, यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं दिया गया है कि प्रोफेशनल कोर्स वालों की भरमार। दोस्तों, ज़्यादातर इस फॉर्म को अप्लाई किया है स्नातक और उससे बड़े एलिजिबिलिटी वालों ने। कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती के लिए वैसे तो इंटरमीडिएट वालों को पात्र माना गया, लेकिन स्नातकों को वरीयता दी जाएगी। आयोग के मुताबिक कनिष्ठ सहायक के लिए भले ही इंटरमीडिएट वालों को पात्र माना गया है, पर स्नातक करने वालों को वरीयता दी जाएगी। स्नातक करने वालों ने भी जमकर आवेदन किए, इसमें खासकर प्रोफेशनल कोर्स वालों की संख्या काफ़ी अधिक बताई जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अंकों की खेल में पड़ेंगे भारी। कनिष्ठ सहायक बनने के लिए 65 अंक का प्रश्न पत्र होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 40 अंक का प्रश्न पत्र था और क्वेश्चन कितने थे 80, एक प्रश्न कितने थे आधे नंबर के। इस पर 65 अंक का प्रश्न पत्र होने वाला है, और आपका जो दोस्तों 65 अंक और प्रश्न होंगे 130 प्रश्न होंगे, अभी भी आधे नंबर के ही आपके एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा 35 अंक दोस्तों योग्यता के होंगे, 35 अंक योग्यता के, 35 अंक दोस्तों योग्यता के होने वाले हैं, और कुल मिलाकर आपके 100 अंक के एग्जाम कराए जाएंगे। 100 अंक 65 अंक का एग्जाम कराया जाएगा, 35 अंक वरीयता होगा, और दोस्तों जो उसके बाद कराया जाएगा वो टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर कराया जाएगा। जो टाइपिंग में पास होगा उसके बाद फाइनल मेरिट बना दिया जाएगा। इस बार इंटरव्यू बस हटा दिया गया है, और इसमें वरीयता क्या है, आपका इंटर में अगर आप 20 नंबर पाना चाहते हैं तो आप इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आप पास होना होगा, पास रहेंगे तो आप 20 अंक मिला जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन में 60% है दोस्तों, 60% है ग्रेजुएशन में, तो आपको 10 अंक मिलेगा, उससे नीचे रहेंगे तो 8 अंक मिलने वाला है दोस्तों। और 5 अंक जो है वो खेल कोटा के लिए भी रखा गया है, यहाँ पे दिया गया 5 अंक खिलाड़ियों के लिए रखा गया। इस हिसाब से देखा जाए तो वरीयता क्रम निर्धारण में प्रोफेशनल कोर्स वालों का पड़ना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, जिन छात्रों ने केवल इंटरमीडिएट पे अप्लाई किया है
हैं उनके लिए तो ये दिक्कत थोड़ा है ही, उनको पेपर में अच्छा मार्क्स करना होगा, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था वरीयता के लिए उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, वरीयता इस बार भी हटाया नहीं गया है। तो दोस्तों आपका टोटल जो होगा 100 अंक का होगा, 65 अंक के आपके एग्जाम होंगे और 35 अंक की वरीयता होगी। टोटल 100 अंक पे आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद टाइपिंग भी कराया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कराया जाएगा, आपको दोनों में पास होना अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।